बिनवा पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल बैजनाथ ने अपना 38वां वार्षिक पारितोषिक वितरण समारोह बड़ी ही धूमधाम से मनाया। समारोह में आयुर्वेद महाविद्यालय पपरौला के प्राचार्य डॉक्टर वाई के शर्मा ने अपनी धर्मपत्नी डॉक्टर ईना शर्मा सहित बतौर मुख्य अतिथि कार्यक्रम में भाग लिया। इस दौरान प्राचार्य रेणु शर्मा ने बताया कि यहां से पास आउट बच्चे इंजीनियर, आर्मी ऑफिसर्स, डॉक्टर और कई अन्य महत्वपूर्ण पदों पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उन्होंने बताया कि इसके अलावा शुभम, अनिकेत, विकेश आयुर्वेद अस्पताल पपरौला में बीएमएस कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि प्लस टू में रिजल्ट 98%, 93% नॉन मेडिकल, मैट्रिक में पूरे प्रदेश में 200 मेरिट स्टूडेंटों में 42 स्टूडेंट ने अपनी जगह बनाई व रिजल्ट बेहतर रहा, जबकि 32 स्टूडेंट व कई अन्य बच्चों का चयन बोर्ड की मेरिट और अंबेडकर मेधावी स्कीम में हुआ। प्रदेश सरकार की स्कीम के तहत 5 बच्चों को लाभ मिला है। उन्होंने कहा कि बच्चों के लिए इंडोर गेम्स की सुविधा दी गई है और स्कूल में सामान्य ज्ञान व नैतिक शिक्षा पर विशेष ध्यान रखा जाता है और बच्चों को अपने माता पिता व बड़ों की सेवा करने की शिक्षा भी दी जाती है। समारोह में बच्चों द्वारा देशभक्ति, पंजाबी डांस, नाटी नृत्य जैसे कई प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। प्राचार्य रेणु शर्मा ने बताया कि अभी स्कूल में साइंस विंग चल रहा है, कॉमर्स के लिए अप्लाई किया गया है और प्रमोशन मिली तो अगले साल से प्लस वन की कक्षाएं शुरू की जाएंगी। रेणु शर्मा ने कहा कि बच्चों के बिना उनका जीवन अधूरा है। उन्होंने कहा कि वह बच्चों से घर का काम थोड़ा बहुत जरूर करवाएं। उन्होंने कहा कि कड़ा अनुशासन उनके स्कूल का प्रथम कार्य है। कार्यक्रम के अंत में मेधावी बच्चों को मुख्य अतिथि वाई के शर्मा ने प्राचार्य की उपस्थिति में पुरस्कार देकर सम्मानित किया। इस मौके पर डॉक्टर सुभाष राणा, नगर परिषद अध्यक्षा रुचि कपूर, पार्षद अमित कपूर, जीडी अवस्थी, राकेश नेगी, डॉक्टर जीएस शर्मा, मिलाप राणा, सुभाष थर, रमेश चड्ढा, कुसुम राणा, राजेश राणा सहित कई गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे। आज हम अपने स्कूल का 38th एनुअल प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन मना रहे हैं और मैंने पेरेंट्स से और बच्चों से यही अनुरोध किया कि आप जो भी अभी स्कूल टाइम में अपने स्कूल समय में करते हैं वही आपके जीवन में आगे चलकर आपके काम आएगा। आप डिसिप्लिन में रहेंगे, आप घर का काम करें, आप बड़ों का आदर करें, क्योंकि आगे चलकर माँ बाप का सहारा आप ही बनने वाले हैं। आप अपने जीवन में सब कुछ कमा लेंगे पर माँ बाप एक ऐसी चीज़ है जो आपको कहीं से भी नहीं प्राप्त होगी। यही मेरा बच्चों को संदेश है कि अपने बड़ों का आदर करें, अपने गुरुजनों का सम्मान करें। के चैनल के लिए बैजनाथ से कमल गुप्ता की रिपोर्ट।